हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मुझे हो गया थोड़ा सा कोल्ड, तो आज में थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं पक रही हूँ अपने लिए पानी गर्म। मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, मैंने रूटीन बनाया है और मेरा वेट काफ़ी बढ़ रहा है। सर्दियों में खाने पीने की चीज़ें होती है खूब सारी और मन भी करता है खाने पीने का और कंट्रोल भी नहीं होता। और मैं मीठे की शौकीन हूँ। जो लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं उनके पेट बढ़ ही जाता है, पता नहीं देव जी बहुत ज़्यादा डांटते हैं मुझे। तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद घर के काम शुरू करेंगे। और साथ ही दे देते हैं मम्मी को सब्जी कटोने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर खाना भी बनता है जल्दी। तो अभी साफ़ सफाई का काम शुरू करते हैं, पहले पानी पी लेते हैं। और अभी वहाँ पर साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हुई है और सब्जी वहाँ पड़ी हुई है। तो झाड़ू का काम मेरा पूरा हो गया, तभी मैं बनाऊंगी खाना। मटर निकल चुकी है, आलू मैंने धुल लिया है और वहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है। ये आंगन मैंने आधा साफ़ किया, आधा बाद में साफ़ करूँगी पूरा सामान उठाने के बाद। तो यहाँ पे आलू मेरे साफ़ हो चुका है और ग्रीन टमाटर, आज लहसुन प्याज नहीं जाएंगे सब्ज़ी में, पूर्णिमा है तभी बना लेते हैं खाना। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, 9:51 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ रोटी। अभी मैं नितिका जाएगी स्कूल, सब्जी मेरी बन चुकी है आलू मटर की और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और वहाँ पे बनी हुई है चाय। पति देव जी अभी आएंगे, वो चाय पियेंगे। सब लोगों ने पी ली है और इसी के साथ ये पधार चुके हैं। अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे कपड़े धुल रहे हैं। फर्स्ट राउंड धुल चुका है बच्चों की यूनिफॉर्म। और अभी यहाँ की साफ़ सफाई पूरा काम ख़त्म हो गया, पशुओं को बांध दिया, हमारी आराम सीन है वहाँ पे। बर्तन पड़े हुए, अभी खाना खाएंगे, उसके बाद बर्तन सारे इकट्ठे साफ़ होंगे। बर्तनों का ढेर यहाँ पे पड़ा है और हमारी बगिया बहुत सुंदर हो गई है। बड़े पौधे थे वो जल गए, लेकिन बाकी जो सब्जियां थी वो बिल्कुल सेफ खड़ी हुई है अभी तक। और अभी मदाने लगवाते हैं, उसकी तार टूटी हुई है तो मुझे डर लगता है थोड़ा सा, तो पति देव जी लगाते हैं। और अभी आ गए खाना खाने के लिए और मैंने मिर्ची भी छमक ली है, छोंक ली है। इसमें आता है करंट, तो ये आज इतनी तार फिर टूट गई, मदाने लगा दी है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, 25 जनवरी हो गए, लेकिन धुंध धूप दिखाई नहीं देती। कल धूप निकली थी, आज बिल्कुल धुंध हो रखी है बहुत ज़्यादा, शायद धूप नहीं निकलेगी। और आज मेरा कहीं जाने का इरादा है, अगर मुमकिन हुआ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, डर लगता है थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं और धूप निकल चुकी है हल्की सी और साथ में हो रखी है बादल। और मैं नहा ली हूँ, बॉडी लोशन अप्लाई हो चुका है, जुराब वापस से डाल लिया, अभी बाल कंघी करती हूँ और मैं हो रही हूँ रेडी। अगर जाना मुमकिन हुआ तो भी बताऊंगी, वरना पहले बताने का क्या फ़ायदा। तिरुपति देव जी गए हैं खेत, वो आते हैं, मौसम का हाल देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं हमें जाना है नहीं जाना है। तो अभी थोड़ी सी देर में धूप में बैठते, साथ में बाल कंघी कर लेती हूँ। मम्मी बाहर धूप में बैठे बच्चे खेल रहे हैं और मनीष चला गया खेत, देवल जी पति देव जी और मनीष चला गया। और यहाँ पर कुछ देर तक धूप रहती है, बर्तन भी हमने धूप में रख दिए। ये भी ठंड में थोड़े परेशान हो गए हैं और अब की बार ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, रोज़ नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इतनी देर तक ठंड कभी नहीं रहती, 26 जनवरी के आसपास धूप अच्छी खासी होने लगती है, लेकिन अब की बार सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सूरज भगवान रहते हैं गायब। पता नहीं इनको भी ठंड लग रही है या नहीं। तो अभी बाल कंघी कर लेते हैं थोड़ा सा, बिंदी बिंदी सब निकल गई है। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं और अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी आप बता देती हूँ कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी माइक के। काफ़ी टाइम हो गया, अब की बार लगभग 2 महीने हो गए मैं गई नहीं हूँ, तो आज मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी ठंड का, ठंड कम हो फिर जाए धूप निकले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आज फाइनली हमारा
इरादा हुआ है जाने का, और पतिदेव जी को भी टाइम है, पहले गए हुए थे खेत को, वरना वो बिजी रहते हैं, तो ऐसे होता ही नहीं। और मेरी सिस्टर गई हुई थी तो फिर दोनों लोग जा भी नहीं सकते। और अभी धूप आ रखी है हल्की हल्की सी, बादल भी हो रखे हैं, और अभी रेडी हो गए, पतिदेव जी नहा रहे हैं, फिर निकलते हैं। तो अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं, यहाँ पर हमारी जलेबी पार्टी चल रही है। आज पूर्णिमा थी तो प्रसाद में लेके आए थे, और अभी तक धूप है अच्छे से, और हमें रोज के रेडी, मनीष मैं पतिदेव जी अभी जा रहे हैं, जलेबी भी हमने खा ली है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।